हेलो राइडर्स, कैसे हो आप सब? दोस्तों, बजाज कंपनी की तरफ से बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। बजाज कंपनी अपनी पल्सर N250 में काफ़ी सारे नए अपडेट और नए चेंजेस के साथ इंडिया में रीलॉन्च कर दिया है काफ़ी कम कीमत पे। बाइक में आपको नए कलर, नए ग्राफिक देखने को मिल जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि बजाज कंपनी ने इस बाइक में क्या कुछ अपडेट किया है, बाइक का प्राइस क्या है, बाइक में आपको क्या ऐसा डिजाइन देखने को मिल जाता है, सारा कुछ आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को स्किप हमें बिल्कुल मत करना। मेरा नाम है अनमोल और आप देख रहे हैं फोर व्हील्स। बात करें बाइक के पहले चेंजेस के बारे में, तो बाइक में आपको तीन नए कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाइक का जो पहला कलर है वो आपको व्हाइट और ग्रे कलर के काफी बढ़िया कॉम्बिनेशन में देखने को मिल जाता है। बाइक का जो दूसरा कलर है वो आपको ब्लैक और ग्लोसी रेड कलर में देखने को मिल जाता है। बाइक का जो तीसरा कलर है उसमें आपको रेड, व्हाइट और ग्रे कलर का काफी बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाता है। बात करें बाइक के अगले चेंजेस के बारे में, तो वो किया गया है बाइक के फ्रंट सस्पेंशन में। बाइक के फ्रंट में आपको गोल्डन कलर के USD फोक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, जो कि बाइक के डिजाइन और लुक को और भी ज्यादा इनहेंस कर रहे हैं। और इस बार बाइक में आपको नए कलर, नए ग्राफिक, नए डिजाइन देखने को मिल जाता है, जिसके कारण बाइक का जो लुक है और डिजाइन बहुत ज्यादा शानदार लग रहा है। बात करें बाइक के अगले चेंजेस के बारे में, तो वो किया गया है बाइक के मीटर कंसोल में। बाइक में आपको डिजिटल मीटर कंसोल देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आपको काफी सारे फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाता है, जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ टर्न बाय टर्न नेविगेशन, USB चार्जिंग पोर्ट, SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट, स्टैंड अलार्म जैसे कई सारे फीचर्स। इसी के साथ अगर अगले अपडेट के बारे में बात करें, तो बाइक में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्राइस रेंज में आपको किसी भी बाइक में देखने को नहीं मिलता है। बात करें बाइक के अगले अपडेट के बारे में, तो वो किया गया है बाइक के ब्रेकिंग सेटअप में। बाइक में आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है, जिसमें आपको तीन राइडिंग मोड देखने के लिए मिल जाता है, जो कि है रोड, रेन और ऑफ रोडिंग मोड, जो कि आप इस बाइक को जहां चला रहे हो उस हिसाब से इस बाइक का मोड चेंज कर सकते हैं। बात करें बाइक के अगले चेंजेस के बारे में, तो वो किया गया है बाइक के टायर साइज में। बाइक के फ्रंट में आपको 110 सेक्शन का टायर देखने के लिए मिलता है, और बाइक के रियर में आपको 140 सेक्शन का व्हाइट टायर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बजाज कंपनी ने अपनी पहली पल्सर सीरीज में ऐसे व्हाइट टायर दिए। बाकी वही डोमिनार 250 या फिर डोमिनार 400 में आपको देखने को मिल जाते थे व्हाइट टायर। अब साथ ही साथ दोस्तों, बाइक में आपको डुअल बैरल एग्जॉस्ट भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बाइक में आपको पहले अंडर बैली एग्जॉस्ट देखने को मिलता था। बाकी बाइक में आपको वही 249cc का 4-stroke 4-valve ऑयल कूल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 24.1 BHP की और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करेगा 21.5 Nm की। बाइक में आपको वही 5-speed गियरबॉक्स मैनुअल का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक का जो कर्व वेट है वो 162 kg है। ये बाइक आपको सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पे 30-35 kmpl का माइलेज आराम से देगी। और बाइक में आपको 14 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक आपको E20 मॉडल के साथ देखने के लिए मिलेगा, जो कि BS6 फेज 2 वाला इंजन होगा। अगर इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में बात करें, तो ये बाइक आपको 1,50,000 के एक्सोन प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगी इंडिया में। अगर इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करें, तो ये बाइक आपको 1,80,000 के ऑन रोड प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगी। बजाज कंपनी ने इस बाइक का जो प्राइस है वो 800 से 1,000 रुपए ही ज्यादा बढ़ा है और ज्यादा नहीं बढ़ा। दोस्तों, आपको इस बाइक में क्या कुछ अपडेट अच्छा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर जाना, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर